क्वेश्चन नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 वाज सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, हु विल टेल द एंट्री? दिस इज द पार्ट ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर 2018। ओके, सो आई विल टेल द एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड हाउ मच अमाउंट विल कम? वी हैव सोल्ड फॉर ₹3 लाख, हु चार्ज 2% कमीशन? 3,15,000। 2% इज 6,000। 3 लाख माइनस 6, 2,94,000 विल कम। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इफ दिस वॉज नॉट द केस ऑफ डिसॉल्यूशन देन वॉट एंट्री वी पास? वी पास बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग वेन वी सेल, बट दिस इज द केस ऑफ डिसॉल्यूशन वेन द लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो लेट स्टार्ट सेकेंड एंट्री, सेकेंड क्वेश्चन। पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500, व्हाट एंट्री वी पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। नो, नो अकाउंट इज टू बी ओपन। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट, नो अकाउंट इज टू बी ओपन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ऑल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इवन वी कैनॉट ओपन रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। ओके, ऑल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू क्लोज बिकॉज बिजनेस इज क्लोजिंग। ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन एंड देन कैश अकाउंट टू ट्रांसफर द अमाउंट टू पार्टनर्स। ओके, बीइंग हाउ मच? 1500 एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड। ओके, देन देयर इज वन मोर पॉइंट, बी पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन। टेल मी द एंट्री चिल्ड्रन। सर, रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। व्हाई टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट? बिकॉज मोहन हैज पेड। इफ मोहन हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ही मस्ट गेट, सो दैट्स व्हाई हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मोहन, ओके, लेट अस सी थर्ड वन। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, वॉज आस्क टू लुक इन टू द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2000। टेल मी चिल्ड्रन, वॉट एंट्री वी पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, टेल मी चिल्ड्रन, वॉट एंट्री वी पास? मोहन वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2000, सो दैट्स वाई वी मस्ट क्रेडिट मोहन, मोहन डेबिट बाय 2000।
being commission allowed to Mohan I hope this is clear to everyone let's see D point motor car of book value of 50,000 taken by a creditor of the book value of 40,000 in settlement okay what entry we passed children yes tell me no entry is to be passed okay why no entry is to be passed because motor car is an asset it is transferred to realization account debit side creditor is a liability it is also to be transferred in realization account that's why and both are settled in settlement it is mentioned both are settled so that's why no entry is required when asset and liability is transferred to the realization account you can write reason asset and liability both are transferred in realization account that's why entry is not required I hope it is clear to everyone let's solve third question question number 3 pass journal entries for the following a point realization expenses of 15,000 were to be met by Rahul a partner but were paid by the firm yes children paid by the firm but it is to be met by the Rahul Rahul's so, capital account debit to cash account very good Rahul's capital account will be debited to cash or to bank we can write to bank account amount is 15,000 being realization expenses paid by the firm on behalf of Rahul B point Ramesh a partner was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses what entry we pass the realization account debit the name of partner is Ramesh to Ramesh okay how much 25,000 he was to meet all expenses okay being what is this remuneration being remuneration allowed to Ramesh yes children is it clear these are very simple and general entries okay. let us see one more entry Anuj a partner was paid remuneration of 20,000 and he was to meet all expenses firm paid an expense of 5,000 yes children tell me why will tell see there are two part after full stop new sentence begins children okay under c point Anuj a partner was paid remuneration of 20,000
So realization account debit to Anuj capital account. The amount is 20,000. Anuj was paid remuneration, so his account is credited by 20,000. Is that clear? Being Anuj allowed remuneration. Okay, and here it is mentioned firm paid an expense of 5,000, and here it is mentioned he was to meet all expenses, and firm paid an expense. So what is required? This is first. Second, now firm will deduct from his capital account. Anuj's capital account debit to bank account 5,000, because he was to pay all expenses and firm paid, that's why to bank account, being firm paid 5,000 expense. But it is to be meet by Anuj. Here it is mentioned he was to meet all expenses because he has paid remuneration of 20,000. Firm paid 5,000, so firm is taking back from Anuj 5,000 rupees. I hope it is clear to everyone. Yes, dear children.